तो यहाँ की जो मुझे खास बात अच्छी बात लगती है ना, वो बात लगती है कि यहाँ पे लोग ना पूरे मिलजुल के काम करते हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ और ये पूरी लेडीज पार्टी रोटी बना रही है। अभी हो चुकी है इवनिंग और रेस्ट करने के बाद, पता है रेस्ट मैंने कहाँ पे किया था? दिन में हम सोए थे, वो नीचे पेड़ है ना वहाँ पे हम सो गए थे, और यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं मिली हमें तो हम नीचे जाके आराम से सो गए। और अभी यहाँ पे हो रही है महिला संगीत हो रहा है यहाँ पे, जब से भजन स्टार्ट हुआ है और अभी तक सिर्फ यहाँ पे ये भजन वजन ही गा रहे हैं, और भजन मतलब आधा पौना घंटा हो गया हो तब से भजन ही चल रहे हैं यहाँ पे। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े तड़कते भड़कते वाले गाने होते तो हमें भी मज़ा आता, देखने वालों को भी मज़ा आता और करने वालों को भी मज़ा आता। ठीक है, तो वैसे तो शाम को बैंड है और बैंड में तो पहाड़ी बैंड में तो आपको पता है ना कितना मज़ा आता है, तो शाम को हम बैंड में डांस करेंगे और डांस दिखाएंगे आपको कि कैसे लोग पहाड़ी डांस करते हैं बैंड में। और मुझे भी ये डांस बहुत, मतलब ये गाना जो बैंड होता है ना वो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ऑफिस में भी अपने कानों पर लीड लगा के और वो गाने सुनता रहता हूँ, तो आज मैं वो फील अपने लिए दोबारा से लेके जाना वाला। ये है नाला गांव की इवनिंग, अभी यहाँ पे जो पूरे लोग हैं ना वो पूरे नीचे अभी गए हुए हैं महिला संगीत में, और यहाँ का अभी वेदर आप देख सकते हो कि वेदर कैसा, अभी मतलब नॉर्मल सा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, अभी यहाँ पे इवनिंग के खाने की तैयारी हो रही है। और पहाड़ में और उत्तराखंड में, मतलब पहाड़ में मेनली जो खाना बनता है ना वो बनता है लकड़ियों में। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लकड़ियों में खाना बनता है, और ये जो काम करते हैं ना पूरे गाँव के लोग मिल के करते हैं, तो उत्तराखंड में ये मेन होता है कि पूरे पहाड़ के लोग मिल बांट के काम करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ना, तो ये पूरे गाँव के लोग हैं और ये खुद मतलब खाना बनाते हैं और खुद पूरा प्रोसेस मतलब खुद ही इन्हीं का होता है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे बन रहा है मटन, मतलब बकरा हुआ, बकरा कटा हुआ है वहाँ पे, तो शाम का शायद एक मटन है, और वहाँ पे है मटर पनीर और डिश भी बन रही है, शायद आलू गोभी है, तो यहाँ पे बहुत डिशेस बनी जाती है। बट जो यहाँ की जो मुझे खास बात अच्छी बात लगती है ना, वो बात लगती है कि यहाँ पे लोग ना पूरे मिलजुल के काम करते हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे। जैसे कि हम पहाड़ विदेशों में रहते हैं, देश में रहते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि बाहर से हलवाई बुलाए जाते हैं और वो मज़ा नहीं आता, बट यहाँ पे लोगों को काम करने में भी मज़ा आता है, और जो उसके बाद प्रोसेस होता है जैसे कि इवनिंग वाला प्रोसेस होने वाला है डांस का, वो बहुत अमेजिंग होता है। तो ये देखा आपने हमारा खाने का प्रबंध, मतलब ये खाना जो ये जो विधि होती है ना मुझे बहुत पसंद आती है सही में, तो अच्छा लगता है ना गांव में मिल बांट के काम करना। अगर आप भी ऐसे कभी गांव में आए हो तो अपनी स्टोरीज मुझे शेयर करना। बट यहाँ पे अरसे वरसे नहीं बने, नहीं तो अरसे वरसे वाली विधि भी बहुत अच्छी होती है, बट कोई नहीं, जो जहाँ पे है वो मज़ा लो। ठीक है, चलो हम दोबारा फिर वही मेला संगीत सुनते हैं, मज़ा नहीं आ रहा वैसे तो सुनना पड़ेगा। चलो, अभी हमारे यहाँ पे बन रही है रोटियाँ और ये पूरी लेडीज़ पार्टी रोटी बना रही है, तो यहाँ पे मतलब जो गांव में होता है ना, तो ये पूरे रोटी बनाने का काम पूरा लेडीज़ का रहता है। है ना, ये मतलब हम लोग गांव वाले मिलके करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब काम करना होता है ना साथ में तो वो बहुत अच्छा लगती है। तो देखो अभी कैसे करते हैं हम ये काम स्टार्ट, ये हमारे अजय भाई की ये दिखाई नहीं तो अब हो चुका है इवनिंग का टाइम, और अभी यहाँ पे बहुत धमाकेदार जो है पार्टी है वो हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि पहाड़ी बैंड होता है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी सामने, और वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। पहाड़ी बैंड है ना, तो ये बेसिकली उत्तराखंड में
बहुत फेमस होता है, ठीक है। तो जैसे मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं अपने ऑफिस में इसको बहुत इंजॉय करता हूँ। मैंने अपने दोनों लीडें कान पे लगाई होती है, तब मैं इस चीज़ को सुनता हूँ, ठीक है। अभी हम इस चीज़ का आनंद लेते हैं। हेलो जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं खडेला गांव में। और खडेला गांव का इंट्रोडक्शन मैं सबसे पहले करवाता हूँ। ये दो बैलों की जोड़ी, ये है उनका घर। यहाँ पे दो घर है, एक घर ये है और एक घर ये है, ठीक है। तो शायद इसमें है शादी, इसलिए यहाँ पे सब लोग हैं। बाकी मैं उस तरफ भी अभी जाऊँगा। तो चलो मैं आज आपको कुमाऊनी और गढ़वाली फेरों का डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि कुमाऊं में जो फेरे होते हैं